अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रपोजल राइटिंग के बारे में जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस भी जो है वो आप लोगों ने प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड जो है वो देख ली होंगी, तो अब मैं चाह रहा था कि एक जो है वो लाइव प्रपोजल भी जो है वो आप लोगों को सेंड करके दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो अपने से रेलिवेंट जो है वो जॉब कैसे तलाश करनी है। अभी मैं पीपल पर आर के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे ऊपर ये सर्च बटन आपके पास होता है जहाँ से आप सर्च ऑफर फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही सर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स अपलोड हुए होंगे वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लाइक ये रिलेटेड डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल ये मेरे पास आ रहा है फेसबुक एड्स कम्पेन फॉर लोकल डेंटल प्रैक्टिस, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 54 मिनट्स पहले तकरीबन ये अपडेट हुआ है और 7 प्रपोजल अभी तक सेंड हुए हैं। इस तरह और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स आप लोग अपने से रिलेटेड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिनको आप लोग लगा के ये एक्सपीरियंस फिल्टर, लोकेशन, प्रोजेक्ट प्राइस फिल्टर्स वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। या दूसरा काम, आप लोग प्रोजेक्ट फाइंड करने के लिए ईमेल्स अपनी जो है वो लाजमी चेक करें। ईमेल्स में जितने भी आपके पास ये प्रोजेक्ट्स आते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट आप लोगों ने जो अपनी स्किल्स लिखी होगी, जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उससे रिलेटेड आपको ईमेल ये टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं कि लाइक ये प्रोजेक्ट अभी पोस्ट हुए हैं तो आप लोग इनके ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि नॉर्मली जो है वो ईमेल्स देखूँ और ईमेल से अपने से रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट्स निकालूँ। तो अभी मैं जो है वो ये प्रोजेक्ट मैंने निकाला है फेसबुक एड्स कम्पेन फॉर लोकल डेंटल प्रैक्टिस और फ्रीलांसर्स ओनली। और सेकंड जो के इस पे प्रोजेक्ट पे प्रपोजल भेजने की वजह, अभी प्रपोजल बहुत कम हुए हैं इसके ऊपर और अभी रिसेंटली ये जो है वो अपलोड यहाँ पे हुआ है। और ये कोई एयरलाइन मीडिया ग्रुप है जिन्होंने ये पोस्ट किया है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे पहले, अब इस पे हम लोगों ने खुश नहीं हो जाना कि ये जस्ट एग्जांपल मेरे से रिलेटेड है तो मैं इस पे प्रपोजल सेंड करूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो सबसे पहले इन्होंने बात की है एजेंसी लुकिंग फॉर एक्सपर्ट लेवल डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। और इसमें ये भी उन्होंने बता चुके हैं फ्रीलांसर जो है वो इन्हें चाहिए, तो अगर आपने कोई कंपनी प्रोफाइल वगैरह बनाई हुई है तो उससे प्रपोजल सेंड नहीं करना। आई नीड अ फ्रीलांसर हु इज अ फेसबुक एड्स विजार्ड हु कैन डू द फॉलोइंग कैंपेन। अब ये बेसिकली इसकी मेन चीजें हैं। पहली है कैंपेन सेटअप करना, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एड्स, कैंपेन टेस्टिंग, मार्केटिंग ऑडियंस, फेसबुक नेटवर्क रिटारगेटिंग, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन और मंथली और बाई वीकली रिपोर्टिंग। और यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट इसकी प्राइस भी आ रही है। प्लस इसके अलावा नेक्स्ट उसने क्या कहा है, हु इज एबल टू ब्रिंग मोर देन 5x आरओआई। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू अ फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर लोकल डेंटल प्रैक्टिसेस। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग, वी वुड नीड टू गो टू 15 मिनट इंटरव्यू जस्ट टू गेट नो ईच अदर एंड सी इफ यू आर लाइक वी आर द राइट फिट फॉर ईच वर्क ईच अदर। केस स्टडीज उन्हें चाहिए आपकी, प्रीवियस और प्रीवियस फेसबुक एड्स रिपोर्ट्स भी जो है वो चाहिए होंगे। तो अब इसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो एड लिखना जो है वो सॉरी प्रपोजल लिखना स्टार्ट करते हैं। हाय, अब मैं यहाँ पे जो है वो नेम नहीं लिख रहा। नेम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे ये खुद इटसेल्फ जो है वो एक लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, उन्होंने ये जॉब पोस्ट की है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। हाय देयर भी कर सकते हैं लेकिन मैं जस्ट हाय जो है वो हाय से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई हैव गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम पीपीएच अबाउट योर जॉब रिलेटिंग टू फेसबुक एड्स फॉर डेंटल प्रैक्टिस। तो ये मेन इनका जो था वो लोकल डेंटल प्रैक्टिस के लिए इन्हें जो है वो चाहिए था। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर जॉब बिकॉज दिस इज माय कोर स्पेशलिटी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आई हैव Already worked with different
डेंटल डेंटिस्ट कर दें या डेंटिस्ट फॉर जनरेटिंग लीड्स एंड क्लाइंट्स फॉर देम। सो फार आई हैव वर्क विद 10+ डिफरेंट डेंटिस्ट। तो मैं बेसिकली जो है वो डेंटिस्ट के साथ ऑलरेडी जो है वो काम कर चुका हूँ। मेरे पास कुछ जो है वो केस स्टडीज भी उनकी जो है वो पढ़ी पढ़ी हुई हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली उनके एड्स रन की हैं। तो अगेन आप लोग तो अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड जब प्रपोजल लिख रहे होंगे तो आप लोगों ने देख लेना है कि उस चीज से रेलिवेंट, उस बिजनेस से रेलिवेंट आपके पास जो सैंपल्स हैं मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं मौजूद तो बेशक जो है वो ये ना लिखें कि मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। उसकी जगह आप लोग जो है वो ये लिख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम किया हुआ है, लेकिन अगर मुझे इस बिजनेस के लिए भी चांस मिले तो मैं आपकी जो है वो लाइक उम्मीदों पे जो है वो पूरा उतरूंगा। तो इस चीज को जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं डिपेंड ऑन बिजनेस। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी डेंटिस्ट के साथ काम किया हुआ था, इसलिए मैंने जो है वो लिख दिया है कि मैं ऑलरेडी डेंटिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ, और आपको जो है वो केस स्टडी अब मैं आगे लिखूंगा, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ लोकल डेंटिस्ट इन US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। आई एम प्रो फेसबुक एडवर्टाइजर, प्रो प्रोफेशनल को मैंने शॉर्ट किया है एडवर्टाइजर, एंड हैव डन 1000+ प्रोजेक्ट्स ऑफ फेसबुक एड्स। आई आल्सो नो द लेटेस्ट एल्गोरिथम चेंजेस एंड अदर डेवलपमेंट्स इन दिस फील्ड। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल बी बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। We can schedule meeting and I'll show you my portfolio as well. Feel free to ask any question if you have. I have carefully read your about description and your requirements regarding the projects. I can do all tasks easily and provide you reporting as well. नेक्स्ट लास्ट पे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। सो Let me know when we can this in detail. Thanks. बस अच्छा, ये मैंने प्रपोजल लिख लिया है। दोबारा जो है वो अगेन ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ ली है, और
लाइक मैं ये चीजें सारी जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लस उन्होंने 15 मिनट्स इंटरव्यू के लिए कहा था, इसके लिए मैं कॉल टू एक्शन उन्हें प्रोवाइड कर सका कर चुका हूँ कि आप लोग जो है वो किसी टाइम भी कॉल जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है वो इन चीजों के बारे में फर्दर डिस्कस कर सकें। प्लस बाज़ का ये होता है कि ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आप लोग अपर पे प्रपोजल सेंड कर रहे हैं तो वहां पे तो मोस्टली आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अदरवाइज पीपीएच पे कुछ जॉब्स के ऊपर ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है पूछे होते हैं। तो यहाँ पे दो इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो इन्होंने पूछे हैं। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड? तो इसका जो है वो आंसर दे दें, यस आई हैव डिस्कस्ड इन प्रपोजल, आई हैव ऑलरेडी डन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड कैन शो यू इन आवर मीटिंग। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट आर वेरी सिमिलर टू दिस जॉब? तो क्लाइंट की प्राइवेसी की वजह से मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा, इसको रैंडमली मैं फिल कर रहा हूँ। आई कैन शो यू इन आवर मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजल ब्रेकडाउन है, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट का जो है वो लाइक आपके पास जो है वो प्रपोजल है, तो मैं क्या करता हूँ इसके कुछ माइलस्टोन्स जो है वो बना लेता हूँ। फेसबुक एड्स 15 days of services, तो जस्ट एग्जांपल इसके लिए मैंने $400 जो है वो लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज जो है वो उसके लिए 300। तो ओवरऑल अमाउंट जो है मैंने 700 जो है वो यहाँ पे कोट कर दिया। और उसके बाद डिपॉजिट, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो ये बेसिकली पीपीएच आपको रिकमेंड करता है कि आप लोग एटलीस्ट 33% या 50% जो है वो उनसे डिपॉजिट डिमांड करें। तो मैं अभी जो है वो फुल अमाउंट जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारी चीजें मेरी तरफ से डन हो गई हैं। कुछ मैंने अटैचमेंट्स जो है वो ऐड करनी है, वो मैं अभी इसी वीडियो के बाद जो है वो अटैच कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट सेंड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना और ये सेंड। साथ आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आ रही होती है, नोटिफाई मी इफ द प्रोजेक्ट इज अवार्डेड टू समवन एल्स, ताकि जैसे ये जॉब किसी को अवार्ड हो तो आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन ईमेल जो है वो आ जाए। सेंड एंड फीचर पे क्लिक नहीं करना, ये पेड होता है, तो इस पे हम लोगों ने नहीं जाना, सिर्फ सिंपल सेंड बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो होप सो इस तरह से अब आप लोग अपने प्रपोजल जो है वो ठीक कर सकेंगे।